after homogeneous and heterogeneous mixture, we study about separating the component of mixtures. The component of a mixture can be separated by simple physical method. The method for separating of mixture are based on the difference in the properties of their component. ये जो मिक्सचर का के कंपोनेंट्स को हम लोग अलग करते हैं तो द प्रॉपर्टी वो दोनों सब्सटेंसेस के दोनों कंपोनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे जो अलग होंगे और उसी के बेसिस पे हम लोग उसको सेपरेट करते हैं. There are many different methods by which component of mixture can be separated. For understanding them better, let us divide the mixture into three categories: mixtures of solid and with solid, mixture of solid with liquid, mixture of liquid with liquid. Today I will discuss mixture of solid with solid. First of all, hand picking. In your kitchen, your mummy use this method, means hand picking method. अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी राइस को अलग कर रही है, अ पेबल राइस एंड पेबल पल्स एंड पेबल्स, तो दोनों का कैरेक्टर यानी जब कंपोनेंट कलर्स शेप और साइज एंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज स्मॉल, द कंपोनेंट ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कैन समटाइम बी सेपरेटेड बाय पिकिंग देम विद हैंड, यानी हाथ से चुन लेना. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर द डिफरेंट कलर शेप और साइज एंड द क्वांटिटी ऑफ ए मिक्सचर इज स्मॉल. अब मान लो जैसे तुम्हारे यहाँ चार पांच फैमिली हैं, तो क्या होता है, मम्मी थोड़ी सी थोड़ा सा चावल लेती है और उसमें से हैंड पिकिंग करके कंकड़ों को निकाल देती है. अब उनको एक बोरा दे दिया जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाई यहाँ कहा गया कि इसके साइज पे और क्वांटिटी पे भी, उसका क्वांटिटी कम होना चाहिए. तो ये तुम्हारे घर में होता है. दूसरा है थ्रेसिंग. दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स. ये जो है ये थ्रेसिंग जनरली यूज होता है फार्मर्स के टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर हार्वेस्टिंग, ग्रेन कैसे प्राप्त करें, द ड्राइड स्टॉक आर बीटन और थ्रेस्ट टू सेपरेट द ग्रेन. जब तुम गांव में देखोगे कि अब तो मशीन आ गया, पहले क्या था, लोग धान को नीचे बिछा दिए और उस पर क्या किए, दो चार बैल चला दिए, तो ग्रेन अलग हो गया. इन लार्ज फार्म्स थ्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग मशीन्स कॉल थ्रेसर. जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो यूज होता है थ्रेसर का. तब थ्रेसर हार्वेस्टिंग क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ ripened crop is called harvesting. The farm's machine called combine is used both harvesting and threshing. उसको काटना भी और एक जगह इकट्ठा करना, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग. एक कंबाइन मशीन है जो दोनों काम एक साथ कर लेता है. तीसरा है विनोइंग.
This method is used to separate lighter husk from heavier grain like wheat. इसमें क्या होगा कि जब husk और grains में husk क्या हुआ, lighter means हल्का. In this method the mixture is allowed to fall from a height. The lighter component like husk get blown away to a distance while the heavier component or the grains fall down closer. The two parts thus get separated out into two separate heaps. ये प्रोसेस भी गांव में किया जाता है. ऊंचे जगह से हस्क और ग्रेन्स के मिक्सचर को जब विंड होगा यानी तेज हवा में इसको एक स्थान से नीचे गिराया जाता है तो ग्रेन्स इज हैवियर देन हस्क. तो हस्क क्या होगा, उड़ के दूसरी जगह चला गया और ग्रेन्स नीचे बैठ गया. थर्ड है सेविंग. सेविंग में डिफरेंट साइज के जब होंगे तब दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स दैट आर ऑफ डिफरेंट साइज, जिसको चालना बोलते हो. मम्मी घर में चलती है ना, तो क्या होता है जो बड़ा चीज है वो चलनी में रह गया और जो छोटा चीज है वो नीचे गिर गया. फॉर सेविंग ए सेव इज यूज, सेव इज ए वायर मेस फिक्स्ड टाइटली इन ए फ्रेम. इन दिस मेथड द मिक्सचर टू सेपरेटेड इज पुट इनटू सेव. उस चलनी में डाल देते हैं और उसके बाद उसको धीरे धीरे हिलाते हैं. तो क्या होगा, द पार्टिकल हैविंग ए स्मॉल साइज पास थ्रू द होल ऑफ द सेव वेयर एज द लार्जर साइज पार्टिकल रिमेन ऑन द सेव. सेव्स विद डिफरेंट साइज ऑफ होल्स आर यूज्ड टू डिफरेंट मिक्सचर. जैसे तुम्हारे घर में आटा चलती है मम्मी, तो उसमें क्या हुआ, यूज करती है एक चलनी सेविंग को. एट होम सेविंग ऑफ व्हीट फ्लोर मे बी डन टू सेपरेट फाइनली ग्राउंड फ्लोर पार्टिकल फ्रॉम द कॉरेज पार्टिकल. At construction site, sieving of sand is done. बालू को भी चाल के वहाँ पे लोग पलस्तर करते हैं या घर बनाते हैं. Sand is done to separate fine sand from gravel and pebble. The sieve used there, is much bigger in size and the size of its hole is also big. तीसरा है magnetic separation. मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज टू सेपरेट द मैग्नेटिक कंपोनेंट. यहाँ पे एक मैग्नेट को अगर हम दिया ऊपर में, जैसे आयरन नेल आयरन पिन के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, आयरन पिन इज अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट. दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज मैग्नेटिक. इसमें मिक्सचर अगर उसमें एक जो कंपोनेंट हो वो मैग्नेटिक हो. मैग्नेटिक मींस दो सब्सटेंस विच अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस. तो जब ये एक उसमें से एक कंपोनेंट मैग्नेटिक होगा तो हम लोग उसको मैग्नेट से अलग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन ए मैग्नेट इज brought near iron pin, the pins tend to cling to it. The property of attraction of magnetic substance like iron toward magnet is used to separate out such substance present in the given mixture. A scrap iron is removed from a heap of waste material by using a strong magnet fitted to a crane. This iron can then we melted and reused. तीसरा है सब्लिमेशन. क्या है सब्लिमेशन, इज ए प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस आर डायरेक्टली
चेंज इनटू गैसियस स्टेट। हम लोग किसी चीज को अगर गर्म करते हैं तो पहले क्या होता है, पहले वो लिक्विड में चेंज होता है एंड देन चेंज इनटू गैस। बट सबलाइम सब्सटेंस क्या कहलाता है, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया। जनरली सॉलिड सब्सटेंसेज ऑन हीटिंग फर्स्ट चेंज इनटू देयर लिक्विड, पहले वो लिक्विड में चेंज हुआ फॉर्म एंड ऑन फर्दर हीटिंग चेंज इनटू देयर वेपर फॉर्म। पहले वो लिक्विड में चेंज किया उसके बाद वेपर में चेंज किया। हाउएवर सम सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू देयर गैसियस फॉर्म व्हेन हीटेड। दिस प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंजेज डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या हुआ कि वह सब्सटेंस जो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। अब इसका एक एक्टिविटी है, क्या किया, ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कैम्फर, कैम्फर क्या हुआ कपूर, कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कैम्फर इन ए चाइना डिश, यू सी फिगर, चाइना डिश में हम लोग क्या किए, मिक्सचर सैंड एंड कैम्फर को रख दिए, कवर इट विद एन इन्वर्टेड फिनल, और एक फिनल डाल दिए, हुज नैरो एंड हैज बीन क्लोज्ड विद सम कॉटन वूल। यहाँ पे उसका जो पतला वाला सिरा है उसको हम लोग कॉटन वूल से उसको कवर कर देते हैं। हिट द चाइना डिश ऑन ए वायर गेज, वायर गेज क्या हुआ, ये वायर गेज क्या करता है कि उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा जिससे चाइना डिश टूटे ना, एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया। ऑन हीटिंग कैम्फर सबलाइम्स एंड चेंज इनटू इट्स वेपर व्हिच राइज अप। यहाँ पे कैम्फर जो है वो सॉलिड से लिक्विड में नहीं चेंज किया, डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। ऑन कूलिंग इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल ऑफ द फिनल वेपर कूल डाउन एंड चेंज बैक इनटू द सॉलिड स्टेट। जैसे जैसे गैस बना तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर में उसके फिनल पे ये फिर से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इट देन स्टिक टू द वॉल ऑफ द फिनल, सैंड गेट्स लेफ्ट बिहाइंड इन चाइना, और जो बचा रह गया वो चाइना डिश में सैंड बचा रह जाएगा। द सैंड एंड कैम्फर गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। द मेथड ऑफ सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट सॉलिड व्हिच सबलाइम ईजली। यह विधि उसी में यूज होगा जब मिक्सचर में एक सब्सटेंस जो है या एक कंपोनेंट जो है वो सबलाइम सब्सटेंस होगा फ्रॉम सब्सटेंसेस वी डू नॉट सबलाइम, और दूसरा जो है वो सबलाइम सब्सटेंस नहीं होगा। सब्सटेंसेस लाइक नेप्थलीन कैम्फर आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड सबलाइम ऑन हीटिंग। ये सभी यानी नेप्थलीन कैम्फर आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड ये क्या होता है, डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। दे कैन देयरफॉर बी सेपरेटेड फ्रॉम सब्सटेंसेस लाइक सैंड सॉल्ट एंड सुगर बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो जैसे सब्लिमेशन में तुम घर में ही देखते होगे, नेप्थलीन बॉल तुम्हारी मम्मी रखती है कपड़े के बीच में, तो क्या होता है कुछ दिन के बाद उसका शेप क्या होता है, वो छोटा हो गया। ये छोटा क्यों हुआ, क्योंकि डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, यहाँ पे लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, वो सब्सटेंस जो नेप्थलीन बॉल है वो लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। कपूर में भी क्या होगा, कुछ देर के बाद देखोगे वो छोटा होते होते ख़त्म हो जाएगा, वो क्या हुआ, ये सॉलिड जो है क्या वो चेंज कर गया डायरेक्टली इनटू गैस में। तो ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट डे हम लोग मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ लिक्विड को हम लोग देखेंगे, ठीक है, चलो।